आपको मारा, आपको बहुत मारा गया। तो गाइस जो आज भी 5 बार आए उनका पता नहीं है, और मैं और आदि सबसे आगे पहुंच गए हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? भाई हो मस्त? तो गाइस आप बताओ मैं कहूँ। तो गाइस हम हैं 4 दिन की यात्रा पे और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वंदे भारत से। मैं और आदि, उत्तम भाई, तन्नू भाई, अंकित और हमारे बड़े भाई नंदू भाई। वैसे इस टाइम में बैठ रहा हूँ वंदे भारत में और फुल एंजॉय आ रहा है। और अभी हमने चाय, बिस्किट और वगैरह वगैरह, और हम इस टाइम में ट्रेन पे हो रहे थे। सब लोग आराम से, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। और बोले तो हम रुक गए, फिर हमें पुलिस वाले ने आकर हटा दिया। फिर हम वहाँ से निकले, फिर वो छोटा आदि वाले ने हमें वहाँ तक छोड़ा, फिर वहीं से हमें बस मिली। बस को बोल दी टाटा बाय बाय। फिर मुरादाबाद से बस, फिर दिल्ली से सीधा टाइम पे। पहले गाइस सुबह का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, वो आ गया है 140 रुपीज़ में। तो गाइस इसमें क्या थी आप बताओ? मिल्क पाउडर। इसमें लॉटी चोको पाई। ये क्या है? ये तेल, सॉस है, सॉस। अरे यार मजे ले रहा था। इसमें क्या गाइस? ये है सैंडविच है, थे सैंडविच है शायद, दूसरा दिखाओ। क्या है पता नहीं क्या है, वेज है सब, वो नॉन वेज नहीं है। और ये है कुलचे हैं, नहीं हाँ कुलचे हैं। और ये शायद होगा छोले होंगे शायद। और ये है दही। सर्विस तो बढ़िया है गाइस, सर्विस मोस्ट है गाइस। खा के बताते हैं कैसा हो रहा था। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है ब्रेकफास्ट? भारत ट्रेन है क्या? है वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन, सॉरी गाइस। है क्या? मजा आ रहा है, सॉस डाल के और बढ़िया लगेगा, ट्राई करो। अरे मेरी है गाइस, सॉस चुरा ली। फाइनली गाइस इस टाइम में हूँ वंदे मातरम ट्रेन में। बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं, अच्छा स्टाफ है, बहुत बढ़िया। गाइस इस टाइम में खड़ा हूँ खिड़की पे और आपको दिखाना चाहूँगा बाहर का नज़ारा। आदि सो रहा है और उत्तम सो रहा है, अंकित सो रहा है और तन्नू भाई भी सो रहे हैं। गाइस गाइस 2 बजे के टाइम पर हम पहुँचेंगे कटरा, वहाँ से उतरेंगे ट्रेन, ट्रेन को होने के बाद वहाँ से फिर देखते हैं किससे जाते हैं। पहली बार ही गाइस कटरा स्टेशन आ चुकी है, ट्रेन थोड़ी हल्की हो गई है, अभी आगे आएगा स्टेशन, वहाँ उतरेंगे, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। तन्नू भाई जहाँ बताएंगे। तो मैं तो गाइस पहली बार आया हूँ। पास ही लेते हुए तो हम कहाँ पहुँचे बताओ गाइस को? जम्मू माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच गए हम। हाँ जी, अब यहाँ से कितनी चढ़ाई है? 16 किलोमीटर। जैसे गाइस आपने सुना 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, मेरे मन तो हेलीकॉप्टर का, लेकिन भाई गाइस चढ़ के जाएंगे, यहाँ से चढ़ के जाएंगे, वहाँ से आ सकते हैं हेलीकॉप्टर से। चलते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच तो गए हम, लेकिन हमारा यहाँ जो हमारी इंडिया का सिम है, बोले तो जो नैनीताल का सिम है, वो सिम चल नहीं रहा है। तो यहाँ सिम ले लिया है नया, अब उसमें टावर आ गए जिससे कि हम बात कर सकें घर पे। और मैं इस टाइम चल रहा हूँ पैदल, मेरी पूरी टीम पैदल चल रही है, आप ही फूल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्यार हमारे साथ है।
तो गाइस अभी कहीं बैग अगर रखते हैं फिर करते हैं चढ़ाई, तब तक के लिए कंटिन्यू। तो गाइस गुड इवनिंग, टाइम हो चुका है 3:30 और हम पहुंच चुके हैं और ये कार्ड सबके बनवाए मैंने, उत्तम ने, तल्लू भाई ने, अंकित ने और सब भाई ने। कार्ड बनेंगे तभी एंट्री होगी, कार्ड नहीं होंगे तो एंट्री नहीं होगी। चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ, चढ़ाई बहुत तकड़ी बननी पड़नी है। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ से करे 2 ऑटो, 150 ऑटो कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ोगे भैया आप? पान गंगा गाइस, मैं पहली बार आ रहा हूँ इसलिए तो कंफर्म कर रहा हूँ, पता होता तो मैं गाइस आपको बता देता। तो एक ऑटो में मैं, अंकित और आदि, दूसरे ऑटो में उत्तम भाई, तन्नू भाई और बड़े भाई अपने नंदू भरप वाले, पता नहीं भैया कहाँ छोड़ेंगे। चलते हैं फिर गाइस, आपको दिखाते हैं, ठीक है। 3 hours later. तो गाइस जो आदमी 5 बार आए उनका पता नहीं है और मैं और आदि सबसे आगे पहुंच गए हैं। हालत बहुत डाउन है, पैर सूज के हो गए लाल, फिर भी हिम्मत मैया दे रही है और बाकी आदि बताएंगे कुछ नहीं, मेरी आवाज नहीं निकल रही। गाइस इसके बाद निकले हम आए शॉर्ट रास्ते, ये शॉर्ट भी बहुत लॉन्ग लग रहा है, शॉर्ट बहुत में चढ़ाई होती है। तो गाइस इस टाइम हम हैं सबसे आगे, तन्नू से, उत्तम से, अंकित से और भाई साहब से, बहुत आगे बोले तो 5 किलोमीटर आगे, पता नहीं कहाँ है मतलब। और चलते ऊपर अभी, बने रहो कंटिन्यू, हालत बहुत डाउन है। चलो 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 चलो। तो फाइनली गाइस हम 2:30 बजे पहुँच गए थे नीचे और नीचे चले हैं, तो टाइम हो गया 5:41। मौसम इतना ठंडा है लेकिन मुझे ठंडा लग नहीं रहा है, देखिए सारे कपड़े मैंने, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हम पहुंचने ही वाले हैं, 5-6 किलोमीटर रह गया गाइस, फिर उसके बाद दर्शन करेंगे, आप सबको दिखाएंगे गाइस, ये सब कुछ आपके लिए। गाइस ऊपर वाला नहीं कहते कि मेरे पास खाके आओ खाके मत आओ, बस अच्छे दिल से आओ, भूख लग रही थी। तो गाइस इस टाइम मंदिर में पहुंच गए, बहुत ठंडा हो रहा है और कंबल की लाइन लगी है, पर आदि बहुत ज़्यादा थक गया है, कंबल की लाइन देखो कितनी लंबी लगी है, 100 रुपये कंबल मिलेगा हमको, तब हम कहीं सोएंगे। और लड़के पता नहीं कहाँ गए थे, उत्तम का पता नहीं, अंकित का पता नहीं और भाई साहब का पता नहीं, हम तो सो जाएंगे भाई, सुबह उठेंगे नहाएंगे धोएंगे तब दर्शन करेंगे, सो जाएंगे गाइस। गाइस ब्लॉग एंड करने का हो गया इस समय, ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिस यू।